बच्चों, आज क्लास 11th इकोनॉमिक्स विषय का वीकली टेस्ट आप लोग का होगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा उपयोगी है, आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है, तो किसके बराबर है? उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के गुणनफल के, या फिर उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के अनुपात के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के आधार पर। मतलब हम लोग L1 प्लस L2 बटा 2 जो करते हैं मिड वैल्यू निकालने के लिए, यही चीज़ को पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, दो चरों के बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं द्विचर वितरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दूसरा का आपका बी हो जाएगा। तीसरा है, वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकीय परिकलन आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है आपका वर्ग के मध्य बिंदु पर। मतलब मिड वैल्यू जो होता है वो वर्ग के मध्य बिंदु इस तरह निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपका तीसरा का डी हो जाएगा, वर्ग के मध्य बिंदु पर। पारस का अर्थ है, पारस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर के बीच अंतर। मतलब R बराबर L माइनस S फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं? पारस को निकालते हैं। इसको हम लोग विस्तार भी बोलते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला है, L मतलब हो गया लार्जेस्ट वैल्यू, एस मतलब हो गया स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो दोनों का अंतर से हम लोग निकालते हैं पारस को। दंड आरेख, तो दंड आरेख जो है वो एक क्या है? एक विमी आरेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। तो पांचवा का ए हो जाएगा। छठा है, आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से आलेखी रूप से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो हम लोग माध्यिका की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छठा का सी हो जाएगा। सातवां है, तोरणों के द्वारा आलेखी रूप में निम्न की स्थिति जानी जा सकती है, तो किसकी स्थिति जानी जा सकती है? माध्यिका की। सातवां का आपका सी हो जाएगा। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट में IBRD के नाम से भी जानते हैं। नई घोषणा नीति की घोषणा नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी जो घोषणा है वो 1991 में की गई थी। ये भी बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों। लास्ट ऑब्जेक्टिव है, भारत ने आर्थिक संकट के समय किन दो संस्थाओं से ऋण लिया था? तो ये लिया था आपका IMF और IBRD से। उसके बाद है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ छोटा अंक क्या है? 3। उसके बाद इससे बड़ा कौन है? तो आपका 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, 15 है, फिर 26 है। तो इसी को हम लोग आरोही क्रम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। चित्रमय प्रदर्शन का क्या अर्थ है? तो आंकड़ों को वर्ग, आयत, वृत्त, दंड आदि रूपों में दर्शाने को चित्रमय प्रदर्शन कहा जाता है। आर्थिक सुधारों की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो आर्थिक सुधारों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, लाइसेंस, कोटा, परमिट राज को समाप्त कर दिया गया है। दूसरा, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण प्रणाली को लागू किया गया है। और तीसरा है आपका, आर्थिक सुधारों के दायरे में उद्योग एवं व्यापार के अलावा अन्य क्षेत्रों को भी महत्व प्रदान किया गया है। 14 नंबर है, वर्गीकरण के उद्देश्य बताएं। तो वर्गीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला, आंकड़ों को सरल, बोधगम्य एवं संक्षिप्त बनाना। वर्गीकरण के आंकड़े संक्षिप्त रूप से हो जाते हैं जिससे उन्हें समझना आसान हो जाता है। दूसरा है, उपयोगिता समरूपता के आधार पर वर्गीकरण करके आंकड़ों की उपयोगिता को बढ़ाया जाता है। तीसरा है, अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाना। कच्चे माल की तुलना में वर्गीकृत आंकड़े ज़्यादा आकर्षित और प्रभावशाली बन जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका, वर्गीकरण तथा सारणियन में अंतर बताएं। तो वर्गीकरण समंकों के संकलन के बाद किया जाता है, जबकि सारणियन समंकों के वर्गीकरण के पश्चात होता है।
वर्गीकरण के विभिन्न समांकों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा जाता है, जबकि सारणियन में विभिन्न समांकों को भिन्न भिन्न खानों में तथा पंक्तियों में रखा जाता है। वर्गीकरण समांकों के विश्लेषण में सहायक है, जबकि सारणियन जो है समांकों के प्रस्तुतिकरण में सहायक है। और लास्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ बताएं, इसके पक्ष में तर्क दीजिए। तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण का अभिप्राय है व्यापार एवं उद्योगों को कोटा परमिट एवं लाइसेंस राज से छुटकारा। उदारीकरण निम्न प्रकार से किया गया। पहला, केवल 18 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों को लाइसेंस न लेने की छूट। इस नीति में और सुधार करके अब केवल 6 उद्योग ऐसे हैं जिन्हें लाइसेंस लेना जरूरी है, जैसे शराब, सिगरेट, रक्षा सामग्री, खतरनाक रसायन, दवाइयाँ आदि। दूसरा है, बाजारों की जरूरतों के अनुसार उद्योगों का विस्तार करने की छूट। तीसरा, अब उत्पादक इकाइयों कोई भी उत्पादन कर सकती है, उत्पादन में विविधता लाने की भी उन्हें छूट दी गई है। फिर है, MRTP अधिनियम के तहत आने वाले उद्योग अनुमति लेकर 100 करोड़ रुपये से अधिक विस्तार कर सकते हैं। पांचवा है, उद्योग का आवश्यक आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए स्वतंत्र छूट दिए गए हैं। और लास्ट है, वर्ष 1999 के सुधारों के बाद लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।